हमारे पास अभी यहाँ पर कौन सा फ्रूट है? चेरी और पियर। तो इनमें कौन सा कलर होता है? इसमें ग्रीन होता है, रेड होता है। ओके, तो ग्रीन अपन लाइट ग्रीन ही करते हैं। ठीक है, पूरे में पहले, पूरे में नहीं करेंगे, हमने एक सर्कल बनाया था, आपको याद होगा, उसको बनाने के लिए। तो सर्कल की पहले हम सर्कल की चारों तरफ करेंगे। ये हमने कर दिया, बीच से हमने छोड़ दिया, ये हमने कर दिया। हमको बीच से छोड़ना है इसे, क्योंकि ये उठा हुआ पार्ट रहता है ना, फ्लैट नहीं रहता है। ये किया हमने, इसके बाद हम इसी कलर को लाइट लाइट करेंगे, इसको भी यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइट करेंगे। ओके, देन उसको हम लेमन येलो से मिक्स करेंगे। ओके, हम इसमें कोई कपड़ा यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल मैं आपको बता रही हूँ। अब हम चेरी को करेंगे रेड, हो तो रेड कर लो। देखो बहुत सारे तरीके होते कलर करने के, अब इसमें मैं राउंड राउंड कर रही हूँ, है ना, क्योंकि इसमें भी कोई निशान नहीं दिखेगा आपको। और इसमें भी आपको यहाँ पर एक सर्कल छोड़ देना है वाइट का। हटा दिया मैंने, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। अब हमने ये चेरी में, ये ब्लड मैरून कलर है, मैरून थोड़ा सा कर दिया है, जिसमें ये और डार्क दिखे। ठीक है, इसमें भी हम पहले रेड कलर करेंगे। उसके बाद हम मैं हर टाइप से कलरिंग करके आपको बताऊंगी, जिसमें आपको कोई डाउट ना रहे किसी भी चीज़ में। ओके, तो ये हमने सिंपल कलर किया है चेरी और पियर में। अब आप इसकी भी प्रैक्टिस करके रखिएगा, देखिए, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।